बर्तन वगैरह भी हैं आपके पास पूरे? ये तो 18 के ही हैं सारे, जो कि अभी जब खाना बना था तो सभी से आप कौन से फर्स्ट हैं? तो उसके संबंध में बताइए। अभी जैसे मैं यहाँ पर देख रही थी ना, ऑनलाइन फ्रॉड काफी हो रहा है और काफी शिकायतें हैं। इस साल की 60 शिकायतें हैं, जिसमें कि किसी के 10,000 गए, किसी के 14,000, किसी के 25,000। आपके नून भी होंगे जिनके जाते होंगे। तो इसके लिए अवेयरनेस के लिए आप लोगों की थाने में कभी आपने यहाँ पर संपर्क किया है, या थाने वाले आपके पास आए हैं कभी इस संबंध में बात करने के लिए? इसमें अवेयरनेस की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है कि आखिर पैसा जाता क्यों है ना। आप में से कभी किसका गया कि, या कि आपके किसी नोन का? नहीं नहीं जी, मैं गया है, मैंने कंप्लेंट की थी। अच्छा, और इसमें पैसा वापस मिलना भी बहुत आसान नहीं होता। कई बार तो ऐसा होता है कि बहुत दिनों बाद पता चल रहा है कि हमारे साथ फ्रॉड हो गया। जब पता चलता है अपना वो देखते हैं बैंक पासबुक, या जब अपना ट्रांजैक्शन देखते हैं तब मालूम चलता है। तो इसमें अवेयरनेस की बहुत ज़रूरत है। ऐसा सोचते हैं हम कि इजीली अगर हमने मतलब कोई सामान मंगाना, ऑनलाइन यहाँ पे शॉपिंग होती है, ऑनलाइन आता है सामान, उसमें बहुत सारे फ्रॉड्स होते हैं। गलत वेबसाइट पर आपने कर लिया, मंगाते हैं डिलीवरी कम होती है। तो बाकी जैसे अगर नौकरी वाली फ्रॉड है वो बहुत होते हैं कि आपको ये दिया जाएगा। कई बार लॉटरी वाली फ्रॉड होते हैं कि आपको ये लॉटरी निकल गई है, आपको इतने पैसे जमा करने हैं, वो वाले जो फ्रॉड हैं। तो इस संबंध में सावधान रहने की ज़रूरत है। ज़्यादातर जो फ्रॉड हैं वो इसी तरह के ही हुए हैं। तो इसमें एक तो लालच और एक जानकारी की कमी, ये मेन कारण रहता है, और एक डर की वजह से। कई बार ये होता है कि ऐसा कोई लिंक आपसे टच हो गया जिसकी वजह से कि ब्लैकमेलिंग होती है, तो ये भी कारण है। तो इन चीज़ों के लिए अवेयर रहने की ज़रूरत है। यही वाला फ्रॉड यहाँ पे ज़्यादा है। बाकी तो मैंने देखा समस्याएं कोई बहुत ज़्यादा नहीं है यहाँ पर, क्राइम बहुत ज़्यादा नहीं है। और आप लोग बताइए अगर आपको कोई समस्या लगती है, कोई बात है, आपकी कोई पुलिस से अपेक्षा है तो वो बताइए। कुछ नहीं, कोई अपेक्षा नहीं है पुलिस से? पुलिस बहुत अच्छा काम कर रही है। जी, अच्छा कर रही है, बढ़िया काम कर रही है पुलिस। चलिए, अच्छी बात है। और ये बाहर के लोग आते हैं, कई बार ऐसा होता है कि रेकी करके जाते हैं, तो पता नहीं चल पाता है कि कौन आया कौन गया। हमारे पास भले उनका वो नंबर वगैरह हो, लेकिन जब तक वो पता नहीं चलता है कि उसका कहाँ आया था, किस समय आया था, तो हमारे लिए भी प्रूफ करना मुश्किल हो जाता है। फेरी वाले बहुत आते हैं यहाँ पर, तो आप अपने कैमरा लगाइए। बाहर के जो लोग हैं वो कई बार ऐसे रेकी करके चोरी करके जाते हैं। तो आप लोगों की सुरक्षा के लिए हमारे भी काम आएगा और हम आपकी सहायता कर पाएंगे। एक आपने कैमरा अंदर की तरफ लगाया, तो बाहर की तरफ भी लगा दीजिए। मार्केट में था, तो था कहीं कैमरा होता है, पता चल जाता किस साइड का। आपने 3-4 घंटे बाद रात को मिला, तो मतलब एक लाइन मिल जाती कहाँ से घूमना है। बहुत सारी चीज़ें, कई सारी चीज़ें रहती हैं। या कोई गाड़ी ही किसी को टक्कर मार के भाग गई, तो पता चलता है कितने बजे निकली थी, क्या हुआ था, तो पकड़ में तो आता है, पता तो चलता है इस चीज़ का। क्योंकि देखिए, पुलिस हर जगह मौजूद नहीं रह सकती, आप भी 24 घंटे सब जगह कहीं पर वॉच नहीं कर सकते। तो कैमरा है ये बहुत यूज़फुल और आज की डेट की तो ज़रूरत है। जितना भी ज़्यादा हम अपने एरिया को कवर कर पाएंगे, उतना ही हम लोग सुरक्षित भी। तो इस बार सहयोग मिलेगा आपसे कैमरा का? पूरा खंडर था मैम, ये हमारे सही किया। जरूरी भी है,
आर्म्स का भी दोनों पी के गाड़ी चलाने वाला वो भी रहता है, चालान वगैरह होते रहते हैं। बाहर के लोगों का कितना आना जाना है? फेरी वाले ही आते हैं ज्यादा, ज्यादा फेरी वाले ही। और पॉपुलेशन कितनी होगी यहाँ की कलीसेंट की? 3,500। ये अच्छी बात है यहाँ पर कि इधर से पलायन नहीं है ना ज़्यादा, ज़्यादातर लोग यही रहते हैं। खली सड़ी ब्लॉक से कम है मैडम, बाकी तो और ब्लॉक से तो जैसे बीरूखाल ब्लॉक है, यहाँ एम के सोचा इधर यहाँ चौबड़े खाल, उसमें तो सारे प्लान ज़्यादा बोल रहे हैं, लेकिन यहाँ पर ठीक है। इसका कोई कारण? ये तो फिर जो भी यहाँ के टिप्स हैं वो बाकी जगह भी देने चाहिए, क्या कारण है कोई? आज यहाँ पर खेती मैडम जो है ऊपर जंगल से लेकर नीचे जो है नदी के किनारे तक यहाँ खेती होती है, जिसमें अच्छा मंडुआ झंगोरा वगैरह सब कुछ अच्छा हुआ यहाँ पर खेती। खेती का कारण भी तो यही है ना, अच्छा कि यहाँ पर लोग रह रहे हैं तो खेती कर रहे हैं, सिंचाई का अच्छा होगा, पानी है बढ़िया। आपके उधर पानी नहीं है? हाँ, पौड़ी में पानी की समस्या है, वहाँ पर तो पौड़ी में मुख्यालय में ही बड़ी समस्या रहती है पानी की। यहाँ पर थली सैंड में कई जगह पे ऐसी घटनाएं हुई हैं जिसमें कि गांजा और बाकी भांग वगैरह पकड़ा गया है, और इसमें हमारी जो टीमें लगातार काम कर रही है, और जो भी ये पकड़े जाते हैं उनको कड़ी से कड़ी सजा दिलवाने का हम प्रयास करेंगे, और बाकी सबसे अपील भी करेंगे कि इस तरह का जो अवैध कार्य है वो ना करें, अदरवाइज जो पुलिस की टीम्स हैं वो लगातार लगी हुई हैं, और अब इसमें NDPS में भी और साथ साथ जो नशे के संबंध में जितने भी चीज़ें हैं उन पर कार्रवाई चल रही है। ठीक है, धन्यवाद।